हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल साइंस माल पर। तो चलिए आज हम जानेंगे कि शैवाल क्या होता है और क्या नहीं होता है। दोस्तों, आप जब बरसात में देखे होंगे कि घर मकान कल तालाब पोखरा इत्यादि हर जगहों पर देखे होंगे आप कि हरे रंग के जो होते हैं ना, मतलब उस पर लात रखेगा तो आप गिर सकते हैं। यानी कि हरे रंग के जो होते हैं, जैसे हम घरेलू भाषा में उसको काई भी बोल सकते हैं, यानी कि हम आसानी से कह सकते हैं कि गिल्ली जगहों पर तालाब पोखरा नदी समुद्र इत्यादि जगहों पर ये हरे रंग के होते हैं और चिकनी होते हैं, तंतु के आकार वाले ये पौधा होते हैं जो शैवाल होते हैं। इनमें भी क्लोरोफिल होता है, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषी द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अतः यह क्या है, स्वयंपोषी है। हम आसानी से कह सकते हैं कि गिल्ली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जल यानी कि जमा हुआ जल की सतह पर हरे रंग की चिकनी सतह तंतु के आकार वाले पौधे को आप देख चुके होंगे, वही आपका होते हैं शैवाल। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इनमें भी क्लोरोफिल होता है और ये क्या होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। ठीक है, ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो